हेलो दोस्तों, मैं रेखा आपका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल रेस्टलेस रेखा पर। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही हेल्दी रागी बॉल्स यानी फिंगर मिलेट बॉल्स, जिसे हम बनाएंगे बिल्कुल आसान तरीके में और बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट में, ताकि आप आसानी से बना सके। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमें चाहिए होगा एक सॉलिड बेस वाली कढ़ाई, जिसे मैंने गैस पे चढ़ा दिया है। तो मैंने यहाँ पे लिया है एक कटोरी रागी का आटा यानी कि फिंगर मिलेट फ्लोर। तो एक कटोरी आटे के लिए 2 कटोरी पानी इस कढ़ाई में डाल देंगे। यानी कि 1:2 रेशियो में लेंगे, एक हिस्सा आटा और 2 हिस्सा पानी। और जैसे ही पानी डालेंगे, हम डाल देंगे थोड़ा सा नमक। अब थोड़ा सा घी डाल देंगे। अब इसी प्रोसेस में डाल देंगे सूखा रागी का आटा 2 चम्मच। ऐसा सूखा आटा डालने से गुठलियां नहीं बनेंगे। फिर अच्छे से मिलाएंगे इन सबको और इसमें उबाल आने तक वेट करेंगे। तो देखिए उबाल आ रहा है पानी में। अब एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे और डाल देंगे रागी फ्लोर। एक ही बार में डालना है यहाँ पे। अब आटा डालने के बाद सिर्फ 2 मिनट तक ऐसे ढक के पकाएंगे बिल्कुल धीमी आंच पर। अब 2 मिनट हो चुके हैं, तो बिना हाथ छोड़े चलाते जाएंगे। यहाँ पे हमें लगता है कि गुठलियाँ बन रही है, लेकिन एक भी गुठली नहीं बनती अगर आप मेरे इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो। अब ऐसे ही मिक्स करते रहिएगा। फ्रेंड्स, अगर मेरा ये रेसिपी आपको थोड़ा सा भी पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। ऐसे ही अच्छे से मिलाते जाइएगा। फिर से ढक के 1 मिनट के बाद खोल के फिर से मिक्स करते जाएंगे। इससे आटा हमारा अच्छे से पक जाएगा। अब हमें कैसा पता लगेगा कि ये कम्प्लीटली पक चुका है या नहीं? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक कटोरी में नॉर्मल पानी लिया है यहाँ पे मैंने। ऐसे उंगलियों पर पानी लगा के ऐसे गीले हाथों से आटा ऐसे हाथ में लेके चेक करेंगे। अगर ये आटा उंगलियों पे चिपक रहा है तो समझ लीजिए अभी अच्छे से नहीं पका है। अगर आटा बिल्कुल नहीं चिपक रहा है तो समझ लीजिए यहाँ पूरा पक चुका है रागी बॉल्स बनाने के लिए। तो पूरा तैयार है हमारा मिक्सर, क्योंकि ये हाथों पर नहीं लग रहा है। तो बॉल्स बनाना शुरू करते हैं। इसे पूरा ठंडा होना ना दें। एक बार फिर से यहाँ पे अच्छे से मिलाएंगे और यहाँ पे नॉर्मल पानी लिया है मैंने। हम क्या करेंगे, एक प्लेट लेंगे, पूरा पानी लगाएंगे इस पे। और थोड़ा सा मिक्सर लेंगे और डाल देंगे इस प्लेट पे।
फिर से हाथ पर पानी लगाएंगे ताकि आटा हाथों पे ना चिपके। अभी ऐसे ही हाथों से राउंड शेप देते हुए बॉल बनाते जाएंगे। अगर आपका आटा अच्छे से पक चुका है तो बिल्कुल प्लेट और हाथ पर नहीं चिपकेगा। देखिए, इस मेथड को फॉलो करिएगा। तो हमारा पहला बॉल बनकर बिल्कुल तैयार है, कहीं भी नहीं चिपका है ये। अब दूसरा बॉल भी इसी मेथड से बनाएंगे, सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे। ये भी लगभग बनकर तैयार है हमारा फिंगर मिलेट बॉल। इन्हें अपने मनपसंद दाल या सांभर के साथ आप एंजॉय कर सकते हैं। तो देखिए, दोनों बॉल्स बनकर तैयार हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पर अपने नए रेसिपी के साथ। थैंक यू।